सातवीं रेप केस में सजा मिलने के बाद राम रहीम को जेल में 52 दिन हो गए हैं और इतने वक्त में उसकी जो हालत हो गई है जानकर यकीन नहीं कर पाएंगे। पॉप सिंगर की छवि वाला राम रहीम अब आपके सामने आ जाए तो आप उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। सुनारिया जेल में बंद गुरमीत के चेहरे पर झुर्रियां साफ दिखने लगी हैं और दाढ़ी भी सफेद हो चुकी है। जेल में आने के बाद वह मेडिसिन ले रहा था, लेकिन अब बाबा ने जेल की क्यारी में सब्जी उगा पसीना बहाकर अपनी सेहत भी सुधार ली है और दवा बंद कर दी है। मंगलवार को पहली बार सुनारिया जेल में पहुंचकर अमर उजाला ने डेरा मुखी के संबंध में हकीकत जानी। 52 दिन में ही बाबा का ब्लड प्रेशर बिना दवा के ही 120 से 140 है, वहीं शुगर के लिए भी परहेज कर रहा है। सुनारिया जेल आने के बाद से राम रहीम के मेकअप का रंग भी उतर गया है, सिर और दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए हैं। जेल प्रशासन राम रहीम की सेहत पर नजर रख रहा है। जेल मैनुअल के हिसाब से उसके परिवार वालों ने अब तक 12,000 रुपए जमा करवाए हैं, इनमें से वे 10,000 रुपए खर्च कर चुका है। इस पैसे से उसे कैंटीन में दूध, मिनरल वाटर और फल मिलते। बाबा ने कैंटीन से एक तौलिया, साबुन व तेल लिया है। कैंटीन से उन्हें समोसा या तली भुन्नी चीज खरीदने की अनुमति नहीं है, न ही वे हर रविवार को जेल में मिलने वाली खीर खाता है।